हेलो एवरीवन, माय नेम इज मुकुन एंड वेलकम बैक टू वंस अगेन अनदर वीडियो ऑफ ऑटर मोबाइल। सो गाइज, आज के इस वीडियो हम करेंगे रिव्यू टीवीएस रेडॉन BS6 वेरिएंट जो भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। गाइज, ये वीडियो आप पूरा देखिए क्योंकि एट दी एंड मैं इस व्हीकल को स्पेंड के साथ कंपैरिजन भी करूंगा एंड बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा व्हीकल बेस्ट होगा। सो गाइज, ये वीडियो आप पूरा जरूर से देखिए एंड गाइज स्टार्ट करते इस वीडियो को बिना किसी देरी के, लेट्स रॉक। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं फ्रंट लुक के बारे में। तो फ्रंट लुक में आपको BS4 वाले ही यहाँ पे DRL देखने को मिल जाते हैं, उसके साथ हेलोजन इंडिकेटर्स एंड हेलोजन फ्रंट हेडलैम्प देखने को मिलता है। यहाँ पे डिजाइन इसकी फ्रंट लुक में सिंपल एंड सोबर रखी है, जिसकी वजह से कम्यूटर बाइक लेने वालों की यह पहली पसंद बन चुकी है। एंड BS4 वाला वेरियंट इसकी इंजिन की रिलायबिलिटी और जो इसकी माइलेज देखने को मिलती है वो काफ़ी अच्छी होती थी, जिसकी वजह से BS4 वाला वेरियंट काफ़ी अच्छा सेल्स हुआ था TVS रेडॉन का। सो गाइस, अभी बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको एनालॉग स्पीडोमीटर एंड एनालॉग फ्यूल गॉज, इन इसके साथ यहाँ पे एक BS कम्पेयर टू BS4 वेरिएंट यहाँ पे आपको इंजन माल फंक्शन का इंडिकेशन देखने को मिलेगा, जो अभी हर एक BS6 बाइक में देखने को मिलता है। सो गाइज, अभी बात करते हैं यहाँ पे इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो आपको 110cc इंजन देखने को मिलता जाता है जो एयर कूल है एंड यहाँ पे आपको फ्यूल इंजेक्शन देखने को मिलेगा जो सभी BS6 बाइकों में आपको मिलता है। तो पावर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 8.2 BHP जितना पावर देखने को मिलता है एंड इसके साथ टॉर्क आपको 8.7 न्यूटन मीटर जितना देखने को मिलता है। सो गाइज, अभी स्पेंडर BS6 वाला वेरियंट है, उसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 7.8 BHP जितना पावर उस वेरियंट में BS6 में आपको देखने को मिलता है। इसके साथ टॉर्क आपको 8.05 Nm जितना देखने को मिलता है। दोनों ही बाइकों में आपको 4-speed ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। सो गाइज, इन टर्म्स ऑफ पावर परफॉर्मेंस यहाँ पे TVS रेडॉन काफ़ी अच्छा पैकेज है एंड इसमें आपको जो फीचर्स देखने को मिलते हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कि USB चार्जिंग सॉकेट, सभी फीचर्स आपको देखने को मिलेगी एंड स्पेंडर जो आपको 21 साल पुरानी वाली सेम डिज़ाइन अभी स्पेंडर में देखने को मिलती है। स्पेंडर में ओनली यहाँ पे आपको इंजन में FI के अलावा कोई भी कॉस्मेटिक या फिर डिज़ाइन वाइज चेंज आपको देखने को नहीं मिलता। सो गाइस, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड इन टर्म्स ऑफ पावर यहाँ पे TVS रेडॉन काफ़ी आगे निकल जाती है। TVS रेडॉन एक बेस्ट पैकेज है कंप्यूटर सेगमेंट्स में, माइलेज के साथ आपको फीचर्स भी काफ़ी अच्छे उसमें देखने को मिलते हैं। सो गाइस, अभी बात करते हैं यहाँ पे सस्पेंशन सेटअप के बारे में। तो फ्रंट दोनों ही बाइकों में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, एरिया में 5-step एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने को मिलता है। यहाँ पे कंफर्ट के मामले में TVS रेडॉन काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है क्योंकि उसमें आपको काफ़ी अच्छी लंबी सीट देखने को मिलती है एंड जो सीट की आपकी कुशनिंग एंड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है एज कम्पेयर टू स्पलेंडर। सो गाइज, अभी बात करते हैं कि आपको माइलेज किस में ज़्यादा मिलेगी। तो माइलेज के मामले में यहाँ पे स्पलेंडर का कर्व वेट जो है वो 4 kg लाइट होने की वजह से आपको माइलेज थोड़ी उसमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। बाकी दोनों ही बाइकों में आपको माइलेज सेम टू सेम BS6 वाले वेरिएंट में देखने को मिलेगी। अभी जो BS6 TVS रेडॉन में उसमें कंपनी क्लेम कर रही है कि आपको 50% मोर फ्यूल एफिशिएंसी देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू BS4 वाला वेरियंट। सो गाइज, अभी बात करते हैं यहाँ पे ब्रेकिंग के बारे में। तो यहाँ पे ब्रेकिंग में TVS रेडॉन काफ़ी आगे निकल जाते हैं क्योंकि उसमें आपको डिस्क का ऑप्शन देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे स्पलेंडर में आपको दोनों ही फ्रंट एंड रियर में आपको ड्रम का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे दोनों ही बाइकों में अगर TVS रेडॉन में आप ड्रम वाला वेरिएंट लेते हो तो आप फ्रंट में 130mm का ड्रम देखने को मिलेगा एंड रियर में भी 130mm एंड सेम आपको यहाँ पे स्पलेंडर में भी वही 130mm ड्रम एंड रियर में भी 130mm ड्रम देखने को मिलता है। सो गाइज, अगर आप TVS रेडॉन में डिस्क वाला वेरिएंट लेते हो तो आप उसमें ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, उसमें आपको फ्रंट में 240mm की डिस्क देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ओवरऑल ब्रेकिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी आपको एज कम्पेयर टू स्पलेंडर। सो गाइज, अभी प्राइस के बारे में बात करते हैं तो TVS रेडॉन की BS6 की प्राइस स्टार्ट होती है 58,000 से लेके यहाँ पे उसका स्पेशल एडिशन जो है वो 64,000 तक जाता है। अभी ये सभी जो प्राइस है वो मैं एक शोरूम के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी स्पलेंडर के बारे में बात करते हैं तो उसकी प्राइस यहाँ पे 59,000 से स्टार्ट होके यहाँ पे 63,000 तक जाती है। सो गाइज, अभी ये दोनों ही बाइकों की ऑन रोड प्राइस के बारे में बात करते हैं तो 70,000 से 75,000 के करीब आपको दोनों ही बाइक ऑन रोड प्राइस में आपको देखने को मिल जाती है। सो गाइज, यहाँ पे बात करते हैं कि आपके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी बाइक। तो अगर आपको गाइज ज़्यादा फीचर्स एंड आपके लिए माइलेज थोड़ी कम होगी तो चलेगा, ज़्यादा फीचर्स एंड एक बल्कि एंड रफ एंड टफ बाइक चाहिए तो आप TVS रेडॉन की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको 21 सालों से चली आ रही वही स्पलेंडर में आपको इंजन रिलायबिलिटी काफ़ी अच्छी चाहिए एंड थोड़ी आपको फ्यूल एफिशिएंट बाइक चाहिए तो आप स्पलेंडर BS6 में जा सकते हैं। स्पलेंडर BS6 सेम एज पुरानी वाली डिज़ाइन, अभी जो यानी वो जो मोटर देखने को मिलती है वो भी 21 साल पुरानी सेम मोटर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपको इंजन की रिलायबिलिटी एंड के मामले में हीरो काफ़ी अच्छा आ गया है, काफ़ी अच्छे इंजन हीरो स्पलेंडर में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे हीरो की बाइक इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टाइम में काफ़ी अच्छी होती है, उसमें आपको काफ़ी अच्छी लॉन्ग लाइफ देखने को मिलती है उसके इंजन में। TVS की बाइक्स में भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, बट आप दोनों ही बाइकों की रेगुलर सर्विस कराते हो तो आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दोनों बाइक देते रहेगी।
अगर आप कोई भी व्हीकल की रेगुलर सर्विस कराते हो तो आपको परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। सो गाइस ये था आज का वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप कौन सी लेंगे बाइक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही हमारे क्वालिटी कंटेंट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले, तब तक लिए जय हिंद वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।